एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुना है, पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या आप सिंपल एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं? पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज मैजिक। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां आश्चर्य बोला है। मैं किसी फॉर्मूला में नहीं जाना चाहता, टेक्निकल बात नहीं करूंगा, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल। हिंदुस्तान में एक आदमी पढ़ लिख कर जब कमाने लगता है, लगभग 23-24 साल की उम्र हो जाती है उसकी, और रिटायरमेंट एज हम मानते हैं करीब 58-60 ईयर्स के बीच में। सो 23 साल से 58 ईयर्स, 35 साल का लाइफ स्पैन, वर्किंग लाइफ स्पैन है एक नॉर्मल एवरेज हिंदुस्तानी का। 35 साल में कितने महीने होते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 35 साल में लगभग क्या, 35 साल में 420 महीने होते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने, जिसका नाम है सिद्धांत, उसने अपने करियर के पहले महीने में 5,000 रुपए बचाए, 5,000 रुपए पहले महीने में बचाए, और अगले 420 महीने में रिटायरमेंट तक अगले 35 साल हर महीने 5,000 रुपए बचाए। बहुत सारे दूसरे भी और बचाए होंगे जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, पर वो 5,000 रुपए उसने बचाना जारी रखा। अब इस 5,000 रुपए महीने से अगर कोई 420 महीने बचाएगा तो टोटल पैसा जो बचाएगा वो होगा करीब 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपीज। 5,000 रुपीज इंटू 12 इंटू 35 इज 21 लाख रुपीज, 21 लाख रुपए बचाए। और अगर इस 21 लाख पर सिद्धांत को 6% रिटर्न मिला तो जानते हैं ये कीमत, जानते हैं ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 21 लाख रुपए 5,000 रुपए महीने बचाकर 6% रिटर्न पर करीब 71 लाख रुपए हो जाएगा, 71 लाख रुपीज। 21 लाख रुपीज सेव्ड ओवर 420 मंथ्स, 5,000 रुपीज ईच मंथ विल बिकम 71 लाख। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में सिद्धांत को 6 की बजाय डबल रिटर्न, 12% रिटर्न। मान लीजिए उन्होंने जहां इन्वेस्ट किया उसको 6% नहीं 12% रिटर्न जनरेट हुआ, बचाए इस बार भी उन्होंने 21 लाख रुपए। पर जानते हैं वो 21 लाख अब कितना हो गए? वो 21 लाख जुड़कर अब हो गए करीब 3,22,00,000 रुपए, 3,22,00,000 रुपए। पहले उदाहरण में भी 21 लाख बचाया, दूसरे उदाहरण में भी 21 लाख बचाया। पहले उदाहरण में 71 लाख हुआ और रिटर्न के डबल होने पर दूसरे उदाहरण में टोटल अमाउंट डबल नहीं हुआ बट 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 3,22,00,000 हुआ। ये क्यों हुआ? ये है मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो रिटर्न आपको मिलता है वो आगे जाकर आपका प्रिंसिपल बन जाता है, वो और रिटर्न उस पर जनरेट करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां अजूबा है। SIP कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा जानने के लिए, पूरा फायदा एंजॉय करने के लिए आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड SIP। एक बात मैं बता दूं, जो रिटर्न्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो म्यूचुअल फंड के गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दो एस्पेक्ट थे आपने देखा, एक था रिटर्न, पर दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो काफी लोग इग्नोर कर जाते हैं वह है ड्यूरेशन, टेन्योर। लंबी अवधि की SIP आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। जितना ज्यादा अवधि होगी, जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट SIP वॉज 20 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ऑल्सो टू ऑल द यंगस्टर्स देयर, व्हेन यू अर्निंग द टाइम टू स्टार्ट सेविंग इज फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी इटसेल्फ। पहली सैलरी के साथ आप अपने फिनेंशियल गोल्स के लिए
SIP शुरू कीजिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।